तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और अभी मैंने मेमनों की जो है फीडिंग कराई है। एक दो मेमनों की फीडिंग नहीं कराई है। रीजन ये है कि आज आप लोगों को डिफरेंस दिखाना है कि कौन सा मेमना अधिक दूध पी गया है, कौन सा मेमना कम दूध पिया है, कौन सा मेमना भूखा है, कितना दूध पिलाना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि मेमनों को उसके बॉडी वेट का 10% हमको दूध पिलाना होता है। लेकिन अब हम मेमनों को बकरियों से दूध पिला रहे हैं तो वहाँ तो हम तो निकाल के नहीं पिलाते हैं कि उनके बॉडी वेट का 10% पिला दें। मेमना अपने आप दूध पीता है तो हमको इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए कि कितना दूध पिलाएं। यदि सर्दियों के मौसम में यदि आप ओवर फीडिंग कराओगे, अधिक दूध पिलाओगे मेमनों में, तो फिर दस्त होते हैं, सफ़ेद दस्त होते हैं, इकोलाई वगैरह होता है। यानी अधिक दूध पिलाने की वजह से भी मेमनों की मोर्टैलिटी होती है। इसलिए बहुत अधिक दूध भी आपको नहीं पिलाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिन बकरियों में अधिक दूध होगा उनके दूध को या तो अन्य मेमनों में बंटवारा कर सकते हो, जिन बकरियों में दूध कम है, या फिर निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिलाओ। आज का जो वीडियो है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और जल्द ही नया गोट फार्मिंग ट्रेनिंग का नया बैच चालू होने जा रहा है। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, डिस्प्ले पे नंबर लगा दूंगा। जेन्युइन जानकारी रहती है, फीस 1000 रुपये रहती है, ऑनलाइन क्लासें रहती हैं, 1 महीने क्लास चलती हैं और 1 साल का डायरेक्ट लाइव सपोर्ट होता है। यानी जो भी समस्या आती है डायरेक्ट फ़ोन करके पूछो, गारंटी इस चीज़ की रहती है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। इतनी चीज़ें मैं बता देता हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सेटिस्फाई हैं कि हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो यदि आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। कैमरा करते हैं बैक, मचा रहे हैं ये सारे मेमने हैं जो शोर मचा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फीडिंग। तो देखिए ये मेमना है, आपको इस तरह से मेमना लेना है, आपको इस तरह से उठा के देखना है। जब भी आप दूध पिलाओगे आपको उठा के देखना है, यदि उसके पेट भरे महसूस हो रहे हैं। देखिए इसका पेट जो है भरा महसूस होगा, ऊपर से उठाएंगे तो इस तरह से देखिए, आपको उठाने पर महसूस होगा कि इसका पेट जो है भरा हुआ है। इसी तरह से और मैं मेमने दिखा देता हूँ। ये मेमना है जो बैठ गया है, इसका भी देखिए इस तरह से पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है। यानी इसका जो पेट है इस तरह से पकड़ने पर रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए मैं आपको जो भूखा मेमना है उसको दिखा देता हूँ। ये मेमना आपको नजर आ रहा होगा, भूखा दूर से नजर आ रहा होगा। देखिए इसके पेट जो है थोड़ा अंदर की तरफ है, ये मेमना भूखा है, ये मेमना आपको भूखा दिख रहा होगा। देखिए चलता है तो देखिए किस तरह से इसके पेट जो है अंदर की तरफ है। ये भूखा है, ये आपको भूखा नजर आ रहा होगा। दो मेमने भूखे हैं, ये देखिए खाली दिख रहा है। तो इसको अभी फीडिंग करानी है, इसको फीडिंग करानी है। यानी इन दोनों ने दूध जो है नहीं पिया हुआ है, इसने फीडिंग प्रॉपर कर ली है, पेट पूरा भरा हुआ है। इसने भी फीडिंग कर ली है, पेट इसका भरा हुआ है। और ओवर फीडिंग में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो मेमना है ओवर फीडिंग की है, देख कितना बड़ा पेट आपको दूर से नजर आ रहा होगा। ये तो यदि इस तरह से ज्यादा दूध इसको हम सुबह शाम पिला देंगे तो ये फिर दस्त करने लगेगा। आपको अलग ही दिख रहा होगा, देखना सभी मेमनों में अलग दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरह से आपको फीडिंग करानी है। बरबरी के जो बच्चे होते हैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और देखिए ये बरबरी का बच्चा है सबसे ज़्यादा एक्टिव यही दिखेगा। ये देखिए ये तो बेटर आप लोग समझ गए होंगे, आपको ये नहीं देखना है कि आपको 10% दूध पिलाना है, आपको हाथ से पकड़ के देखना है। देखिए इसका पेट देख सकते हैं भूखा है। तो जिनके पेट रीढ़ की हड्डी से अंदर की तरफ धंस रहे हैं वो भूखा है, और जिनके पेट जो है ऊपर की तरफ उठे हुए हैं वो प्रॉपर छके हैं। और यदि बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, जिस तरह से ये देख रहे हैं, ये ओवर फीडिंग किए हुए हैं, ये देखिए ढोलक जैसा लग रहा है, तो इसने ओवर फीडिंग कर ली है। ओवर फीडिंग इसलिए कर ली है कि इसकी जो माँ है वो जखराना नस्ल की जो फीमेल हमारे पास थी उसी की बच्ची है, तो उसके भी दूध बहुत अधिक हो रहा है। उसने सेकेंड टाइम बच्चा दिया है तो ये बच्चा उसी का है, इस वजह से दूध अधिक होने के कारण इसने ज़्यादा फीडिंग कर ली है। चूँकि एक साथ हम दो तो तीन तीन मेमने पिलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कुछ मेमने दूध ज़्यादा पी लेते हैं। तो इनका शोर आप लोगों को बहुत सुनाई दे रहा होगा। एक चीज़ ये देख सकते हैं इनके पंजे, हाँ थोड़ा सा पैर जो है किस तरह से रख रहे हैं, खुले हुए हैं। बहुत सारे भाई ये पूछने लगते हैं कि विमल भाई
बकरा इस तरह से चल रहा है, इस तरह के पंजे, तो ये अभी नवजात हैं, अभी कल ही इनका जन्म हुआ है। जितने मेमने हैं, एक या दो शायद परसों हुए थे, दो मेमने नहीं तो बाकी सब कल। डी माँ के दूध में बहुत कम होता है, यानी विटामिन बी और डी माँ के दूध में कम होता है, इस वजह से सर्दियों में अक्सर मेमनों में समस्या रहती है। तो यदि धूप वगैरह निकलती है, जैसे आप देख रहे हैं अभी ये धूप आ गई है, तो इनको थोड़ी देर घंटा आधा घंटा धूप में भी आपको छोड़ना है, धूप में आप इनको रखोगे। तो फीडिंग आप देखिए, ये ज़्यादा भूखा है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो दो मेमने रहेगा इनकी हम फीडिंग करा देते हैं सुबह का टाइम है। इसके बाद चारा सानी वगैरह करेंगे, अभी चारा पानी नहीं हुआ है, जस्ट झाड़ू वगैरह लगा है, और एक एक मेमने की फीडिंग कराना, इस तरह से थोड़ी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम करता है, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा दूध पी ले, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। जब आप पिलाओगे तो आपको उसके साथ रहना है, देखना है। तो ये बरबरी वाले बच्चे देख सकते हो, छोटे छोटे से आए हैं, ये ठिगने इनको मैं निकालूंगा, ये किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि एक तो ये फीमेल है, फीमेल इनको बड़ा करके बेचना बहुत इधर टिपिकल है, बिकेगा नहीं। और इसमें से कुछ मेल हैं, ये शायद मेल है, ये वाला ये मेल है, ये मेल है, तो ये रहेंगे अभी फार्म पे। 10-11 मेल और थे, 11-12-13 मेल जो है हो गए हैं, तो इस साल जो है 12-13 मेल हैं, 13-14 हज़ार रुपये 14-15 महीने में बिकते हैं, तो ये मान लो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास जो है पूरा बनेगा जाके। तो बकरी पालन में ऐसी कमाई रहती है, आप लोग सोच लो, यदि आप बकरी पालन नहीं करते हो, बहुत अधिक कमाई देख के जुड़ रहे हो, तो फिर थोड़ा सा ये देखिएगा कि आपके पास संसाधन है कि नहीं, यदि संसाधन नहीं है तो फिर समस्याएं होंगी होंगी, ठीक है। और एक एक ये सारा चीज़ लगने का, इसमें टाइम देना पड़ता है, सारा दिन लगता है। अभी हमने इसकी फीडिंग कराई है, इसके बाद दोपहर में फिर फीडिंग कराएंगे। अभी मैं समय आपको दिखा दूँ तो 9:15 लगभग बज रहे हैं, ये देखिए, तो 9:15 के आसपास हो रहा है। बहुत सुबह है, हम इनको 6-7 बजे दूध नहीं पिलाते हैं, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आदत बना लेते हैं, तो जैसा आप रखोगे इनको उसी हिसाब से रहते हैं। इनको बंद कर देते हैं टोकरियों से, टोकरी आपके पास इस तरह से होनी चाहिए, ये मेरे पास हैं और काफ़ी टोकरियाँ हैं, 5 टोकरी इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो इन्हें मैं ढक के रखते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट कीजिए, और लास्ट में एक बार फिर बोल देता हूँ, यदि आप ट्रेनिंग की क्लास में जुड़ना चाहते हो, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग का आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ये भी दिखाया था कि बकरी के दूध में विटामिन बी सी डी कम होता है, तो ये चीज़ें सब ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो जेन्युइन कुछ सीखना चाहते हो या सर्दियों के मौसम के पहले आने के, यदि आप जुड़ जाते हो बैच में, तो बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।